बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अकबर की फजीलत व बरकात। दुरूद अकबर एक मारूफ दुरूद शरीफ है जिसे अक्सर लोग पढ़ते हैं। उसे दुरूद अकबर इसलिए कहा जाता है कि इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तमाम सफात जमीला का जिक्र बड़े जामिया अंदाज में किया गया है और ये दरूद तवील होने की निस्बत से अकबर कहा जाता है। इस दरूद के आगाज में लफज नदा अक्सर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जो शख्स इस दरूद पाक को नमाज फजर से पहले या बाद में एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपना मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आखिर ज्यारत नबी से मशरूब होगा और अगर फिर पढ़ने की तादाद में इजाफा कर दे तो इसकी मुलाकात नस्व नफीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से होगी। ये दरूद दरअसल आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिली जज्बात का तर्जमान है, इसलिए इसे पढ़ने वाला सादत दरैन से माला माल हो जाता है। इसलिए अगर कोई शख्स ये चाहे कि ये दुरूद बारे रसालत में मकबूल बंदा बन जाए तो इसकी जात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे तो उसे चाहिए कि वह दुरूद शरीफ का आमिल बन जाए, फिर जिस काम की तरफ भी तवज्जा करेगा तो वो होता चला जाएगा। अमल बनने के लिए ज़रूरी है कि 40 रात खलवत में इस दरूद पाक को रोज़ाना 41 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इसके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दिल की सफाई के लिए बाद नमाज ईशा एक बार ये दरूद पाक पढ़ना बहुत मौसर है। बीमारी से शफा के लिए भी ये दरूद बहुत अच्छा है। असेब और दफा बलियत के लिए 7 बार पढ़कर पानी पर दम करके असेब जदा को पिला दे, असेब दफा हो जाएगा। और अगर किसी मुकाम पर जिन्नात का असरात हो तो इस मुकाम पर रोज़ाना 21 दिन तक एक मरतबा ये दरूद पढ़े, जिन्नात भाग जाएंगे। जालम हाकम के खुले जुल्म से बचने के लिए 11 रात इसे मुसलसल एक मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस दरूद में गलबे के असरात भी बहुत ज़्यादा हैं इस दरूद के पढ़ने वाले पर कोई गालब ना होगा। बाद नमाज फजर रोज़ाना एक बार पढ़ने से अजाफा रिज्क होता है और जो शख्स बाद नमाज ईशा इस दुरूद पाक को 3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तरीके ज़कात। दुरूद अकबर बुजुर्गान सलफ ने यूँ तहरीर फरमाया है कि जुमा की रात को शुरू करे, लबास पाक साफ और सफ़ेद और खुशबू भी लगाए, सफ़ेद पहने, लबास पाक साफ हो और सफ़ेद पहने और खुशबू भी लगाए और अल्लाह और पाक व साफ जगह पर बाकमाल अदब एहतराम दौर का नमाज नफल अदा करे और फिर 3 दफ़ा ये दुरूद शरीफ पढ़े और हदिया बहजूर सरवर कायनात अलैहि सलाम करे और दिल व अखलू के नियत से ज़ियारत जमाल बेशमाल हजूर महबूब खुदा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक ताला की ज़ात करीम से आरज़ू करे और वही सो रहे। मुतवातर 11 मरतबा रात इसी तरह मुतवातर 11 रातें इसी तरह वजीफा करे, ज़कात अदा हो जाएगी और हक ताला जल्ला सना ज़ियारत आने हजूर पर से मशरू फरमाएगा। आयाम ज़कात में नमाज पंचगाना की पाबंदी लाजमी है और इसके बाद रोज़ाना नमाज फजर या नमाज ईशा के बाद एक दफ़ा पढ़ता रहे, दीदार हबीब हक से भी मशरूब होता रहेगा
और दुनियावी और दुनिया और दुनियावी नियमतों और साधुसों में माला माल होता रहेगा।